मैं जो है ना कृष्णा, सिर्फ एक ही चीज़ में बोलना चाहता हूँ और मैं जो भी हमारे देश की जनता है उनसे भी जानना चाहता हूँ कि ये बच्चों का भविष्य आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये कृष्णा है, ये 12 इयर्स का है, ये अभी क्लास सिक्स का स्टूडेंट है। मैं यही सोच रहा हूँ कि बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, आज हमारा भारत देश ये कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। पहले लोग बात करते थे साइंस की, टेक्नोलॉजी की, लेकिन आज के डेट में पॉलिटिक्स ये मतलब किस रास्ते पर जा रही, इतनी गंदी हो गई। ये धर्म की राजनीति से इन बच्चों का भविष्य बनेगा? इन बच्चों के दिमाग में हम अगर दिन रात हिंदू मुस्लिम डालेंगे, नफ़रत का बीज बोएंगे इनके दिमाग में, तो इनका भविष्य बनेगा? कि इनका भविष्य अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके बनेगा? हम लोग क्यों अपने खुद अपने देश को बांट रहे हैं? तुमको ये पॉलिटिक्स पसंद है, हिंदू मुस्लिम की दिन रात न्यूज़ पे ये चिल्लाना? ये कहाँ हम लोग जा रहे हैं, आप लोग खुद क्यों नहीं सोचते हो? मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद ऐसे पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हो। जब आप ऐसे पार्टीज़ को वोट देते हो जो आपको पता है कि इसी तरह की राजनीति करते हैं और आप उनको जिताते हो, तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आपको ये अच्छी लग रही है बात, लेकिन ये राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, आप कोई भी पार्टी हो, आप स्कूल की बात, आप स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, आप शिक्षा की बात करते, हेल्थ केयर की बात करते, आम आदमी की जो ज़रूरत है उसकी बात करते, तो हम सपोर्ट करते हैं। आइडियोलॉजी एक अपने तरफ है, लेकिन अगर अच्छी राजनीति होती तो आइडियोलॉजी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छी पॉलिटिक्स को हमेशा लोग सपोर्ट करते हैं। कृष्णा यहाँ देखो, लेकिन आज जो पॉलिटिक्स जिस हिसाब से हो रही है, ये पॉलिटिक्स बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरा है।